एक कच्चों में दूसरे शहीदों के नेतृत्व में जब लड़ी गई तो 5,000 लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया एक दिन में दी और 25 अंग्रेज भी उसमें मारे थे। पहली बार ऐसी कोई युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें अंग्रेजों की क्षति हुई। लेकिन हमारे यहाँ जब वो हुआ तो मैंने कहा जल्दी आज़ादी से लेंगे और आज़ादी को कायम करने तक की अनेक लड़ाई और अनेक मोर्चों पर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने जहाँ विक्टोरिया क्रॉस जीता बाजार क्रॉस जीता मिलिट्री क्रॉस जीता और अन्य जो उस समय के जितने भी अवार्ड थे वो इस क्षेत्र के लोगों ने जीतने का काम किया। कोई ऐसे अवार्ड नहीं आज कोई ये समझे कोई मैं स्वर्ण पदक भी देता हूँ लड़के आता हूँ उन्होंने अपना खून पसीना अपनी हड्डियाँ गलानी पड़ती है उसके बाद ये नसीब होता है। और मैंने कहा उसके बाद भी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी कि वो बड़गांव की लड़ाई की थी हाजीपुर की थी थे वो आपके जैसलमेर की थी थे वो शांति सेना की थी थे वो कारगिल की थी थे वो तसूल की लड़ाई थी तो आप देखिए उन सब में हमारे लोगों ने जो आमन माने का काम किया कि वो अक्षर धाम था थे संसद में हमला था और थे भाई 26/11 को बम्बई हमला था उसमें भी हमारे लोगों ने अपना प्राण दिया होती थी और उसका मुकाबला डट के किया। इसलिए मैंने कहा कि चाहे परमवीर चक्र था चाहे कीर्ति चक्र था चाहे आपका शौर्य चक्र था चाहे दूसरे अन्य जितने भी कहने के अवार्ड थे वो सब मेरे क्षेत्र के लोगों ने जीते चाहे कोई सी लड़ाई थी। अब आपको ताजुब होगा कि रिजाने लाने में 14-18 लोग थे लेकिन 114 लोग तो मेरे क्षेत्र के यादव वही भी थे और उन्होंने लोहा मनवाया चाइना की सीमा में। आपने देखा 1300 को तो वहाँ मौत के घाट उठाना 14 लोगों और उससे भी ज़्यादा और वो जाते जाते सलूट भी करके गए उस बहादुर कौन को। मैं कई बार कहता हूँ मुट्ठी बंदूक करके कटोपी पहना के कोई सामने वाला सलूट करता है तो उनके मन के भाव ये होते हैं इससे बहादुर कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने चाइना की सेना भी हमारे उनको सलूट करके गई उनको बहादुरी का पुरस्कार देके गई। तो माइनस डिग्री टेम्परेचरों के लिए यहाँ का आदमी रेतीली जमीन का आदमी वहाँ लड़ता है कोई छोटी बात नहीं। तो ऐसे ही कई वो बांग्लादेश की लड़ाई थी हाजीपीर की लड़ाई थी अनेक लड़ाइयों में हमारे यहाँ का इतिहास रहा। और वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध में 19,300 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। द्वितीय विश्व युद्ध में 38,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में मेरे यहाँ कोई गाँव ऐसा नहीं। माता की आज के इस ऐतिहासिक मौके पर देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है कल। इस मौके पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय बाबा बालकनाथ जी सांसद अमर से दिन रात अपने क्षेत्र में तो मेहनत करते ही हैं लेकिन अपने इलाके के साथ साथ हमारे को भी संभालते रहते हैं। बाबा बालकनाथ जी चाहे रोहतक हो कोसली हो कलानौर हो जहां भी बाबा जी को हम आवाज देते हैं बुलाते हैं वही बाबा जी को। हमारे बहुत ही दुधारू साथी आपके अपने बहुत ही प्यारे भाई लक्ष्मण यादव जी यहाँ से एमएलए इतनी मेहनत से आगे आपने देखा तिरंगा यात्रा हसीक यात्रा में बदल उनके साथ भाई कृष्ण यादव जी हमारे जिला अध्यक्ष जी वीर कुमार यादव जी भाई मनजीत जी शारदा जी और हमारे चारों मंडल अध्यक्ष बहुत ही दुधारू मंडल अध्यक्ष जिनकी दिन रात मेहनत से ये कामयाबी मिली। और ये काम कभी होता है भाई तो सारे साथी मिलकर के करते बूंद बूंद घड़ा भरा तो सारे साथी मिलकर के जिस काम में करते हैं लेकिन उसमें मजबूत नेतृत्व की भी जरूरत होती है और वो मजबूत नेतृत्व भाई लक्ष्मण यादव जी के रूप में आपके पास खड़ा है। तो और भी जितने साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ एक एक कार्यकर्ता का। मैं भी आपके साथ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आप लोगों ने जो मेहनत से इस यात्रा को कामयाब किया सबसे पहले मैं नहाड़ वासियों को कोसली क्षेत्र को इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से जिस मेहनत से पिछला पार्लियामेंट का चुनाव था आप लोगों ने आशीर्वाद दिया कई जन्म जन्म भी अगर आपकी सेवा करते रहे तब भी वैसा उत्तर दे सकता आप लोगों ने जितनी मेहनत की। और लेकिन हमारी बदकिस्मती कही है कि उसके बाद जो कोरोना की जो महामारी है ये
लगभग 1.5 साल से भी ऊपर हो गया और इस महामारी में बहुत ज्यादा अगर नुकसान क्षेत्र को उठाना पड़ा है, इस बात का पता है। लेकिन विकास का रास्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और आपके MLA भाई लक्ष्मण जी ने रुकने नहीं दिया। जहां भी कोई भी विकास की बात आई उन कामों को पूरा किया या उन कामों को पाइपलाइन में डाला। आपका जो नहाड़ में सब स्टेशन बना है, बिजली का सब स्टेशन बना है, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा सरकार की, हमारे लक्ष्मण यादव जी के नेतृत्व में ये काम है। बहुत सारे काम ऐसे हैं। जहां तक बात आई कहीं अरेंजमेंट की, मैंने पार्लियामेंट के अलावा मैंने माननीय मुख्य माननीय रक्षा मंत्री जी से भी 2 दफा में बात कर चुका हूँ और इस बात में माननीय रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि क्योंकि ये बात ऊपर होकर के सारी चर्चा होकर के इस बारे में कोई फैसला होगा। और भी जितनी भी बातें आती हैं, चाहे ट्रेन की बात आई, ये पुरानी बात थी, 25 साल का ये रूट था, लेकिन इस रूट को बदल करके जहाँ लेकिन मीटर गेज का जो काम चलना शुरू हुआ, इस रूट को बदल करके उसके रक्षा मंत्री रेलवे मंत्री हुआ करते जो चला रूट को बदल करके लेके ऐसा निकाल दिया। और अब इस रूट को जब आप बताओ 25 साल से जो रूट चल रहा हो, सांसद आए भी गए भी, आप सबको पता है कोई छेड़ चढ़ाती तो पहाड़ का सत्ता था, जो छेड़ उसे करंट लगता था और कटारे पर कुछ रख लेकर के बैठे थे। लेकिन हमने बहुत समझदारी से, क्यों लक्ष्मण यादव जी जब भी मिलते थे एक ही बात का रूट है, आप रोक मैंने कोच लिए बराबर का भाई मजेदार है और इस रूट को लेकर के आएंगे। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर बात करके रेलवे मंत्री से बात करके मैंने कहा ये रूट तो जाएगा, बदलना पड़ेगा क्योंकि उनका रूट है। लेकिन मेरी ये दरखास्त इस ट्रेन को हम छेड़ते हैं तो हमारे को उसी समय पर एक नई ट्रेन दी जाएगी। जब वो बात परवाह करे हुए और यादव रेजिमेंट की आपकी मांग को पार्लियामेंट में उठाया। दूसरा आपने देखा 25 साल से हमारी हरियाणा एक्सप्रेस बंद चली आ रही।